दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़ा फैसला लिया गया और एक बड़ी मांग भी केंद्र सरकार के सामने रख दी गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई इस बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है और इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय झा जेडीयू की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनकी नई और बड़ी जिम्मेदारी पर मुहर लगाई गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार के अलावे केसी त्यागी, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। बैठक से पहले इसकी संभावना जताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका प्रस्ताव किया, जिस पर सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने सहमति जताकर उनके नाम पर मुहर लगा दी। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने यह बड़ी घोषणा की है। संजय झा अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार से एक विशेष मांग भी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। इस बैठक में बड़ा प्रस्ताव भी नीतीश कुमार ने रखा। यह प्रस्ताव संजय झा के लिए कि उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है और नीतीश कुमार ने इस कार्यकारिणी के बैठक में यह बड़ी घोषणा की है। जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की है। तो राज्यसभा सांसद संजय झा बने हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। बयान आप सुन रहे थे। समझते हैं पैन इंडिया जो हमारी सच्ची चाहत है कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें सहायक होगा। और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उन चुनाव में हम कैसे और संगठित रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े, उस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, दर्जे को लेकर क्या कुछ बात होगी, क्या प्रस्ताव है? हम सबका विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की पुरानी मांग है, वो मांग हम लोगों का कायम है। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, वे लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे। तो इस बैठक में जेडीयू के कार्यकारिणी के बैठक में ये बड़ी मांग केंद्र सरकार के सामने नीतीश कुमार ने रखी है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बड़ी मांग रख दी गई है जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक में। इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा ललन सिंह, केसी त्यागी और भी कई बड़े नेताओं की मौजूदगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। अंकित, दो बड़े निर्णय लिए गए, पहला तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी बात ये कि अब केंद्र सरकार के सामने ये बड़ी मांग रख दी गई है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। क्या अब प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो अब शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, उस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, उनके साथ में तमाम जो सांसद और मंत्री थे उस बैठक में सहभागिता कर रहे थे। जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उन सभी कयासों पर विराम लग गया, संजय झा के नाम पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मोहर लग गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक में चिंतन और मंथन जो आज किया गया और कल आने वाले समय भी दोबारा से इस बैठक ये बुलाई जाएगी, इसमें केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे में केंद्र सरकार से पहले भी इस बात की मांग की गई है, तो कहीं ना कहीं जो गृहमंत्री अमित शाह है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बार जो एनडीए के घटक सहयोगी दल है उनको कहीं ना कहीं मनाने का काम किया गया। ऐसे में इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आई है वो यही है कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में कहीं ना कहीं इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
अंकित, किसी तरह की कोई संगठन में फिर बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव अगर बात की जाए तो उसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही थी और उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि और भी बड़ी जिम्मेदारी संगठन के नेताओं को भी दिया जा सकता है, तो इसे लेकर भी कोई खबर है क्या? बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक हुई है उसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसके नाम पर मोहर लगा दी गई है। और दूसरी बात यह है कि कल एक बड़ी बैठक का फिर दोबारा से आयोजन किया जाएगा जिसमें आगामी समय पर जो झारखंड में और बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में संगठन के कौन कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे प्राथमिकता के साथ, उनको आने वाले समय में नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जेडीयू की किसी प्रकार की कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरीके से अभी लोकसभा सांसद का जो चुनाव हुआ उसमें अच्छा प्रदर्शन जेडीयू का रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर एनडीए की बात करें जो बिहार के अंदर गठबंधन है उसके तहत बिहार में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, कल महत्वपूर्ण बैठक बुलाएगी, उसमें कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो हमारे संवाददाता दिल्ली से अंकित ने आपको बताया कि ये बड़ी जानकारी और बड़ा फैसला नीतीश कुमार की तरफ से, जेडू की तरफ से लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव बिहार और झारखंड दोनों में होने और किस तरह रणनीति मजबूत बनाया जाए जेडू के, ताकि बेहतर प्रदर्शन बेहतर परिणाम चुनाव के बाद देखने को मिले और जेडू एक मजबूत स्थिति में हो। अगर बिहार में, अगर केंद्र में, अगर सत्ता में बनी रहे तो उसकी स्थिति मजबूत हो और उसी का जो नतीजा है कि कहीं ना कहीं अब निर्णायक भूमिका में नीतीश कुमार है। और ये वजह है कि एक बड़ी मांग, एक बड़ा प्रस्ताव भी रखा गया इस जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक में कि केंद्र सरकार के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से विशेष मांग रखी गई है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर। इसके अलावा संजय झा बने हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद है संजय झा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने घोषणा किया और इसका प्रस्ताव भी खुद नीतीश कुमार ने ही लाया और अब ये दो बड़े निर्णय देखे जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए, कई बड़े नेताओं के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया, सभी ने अपनी सहमति दी और इसके बाद जो है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष चुने हैं संजय झा। संजय झा राज्यसभा सांसद है। और दूसरी बड़ी जानकारी जो निकल कर सामने आई और वो ये कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें केंद्र सरकार के सामने ये बड़ी मांग रखी गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना जेडीयू कार्यालय से अब सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, दो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, पहला तो इस जो भी कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें केंद्र सरकार के सामने जो मांग रखी गई है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, दूसरा बात यह कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। पटना जेडीयू दफ्तर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की जो गतिविधियां हैं देखने को मिल रही है और क्या माहौल है पार्टी कार्यकर्ताओं में इन दो बड़े फैसलों के बाद? देखिए राकेश, चूंकि जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है तो विधान पार्षद से लेके पार्टी के सभी शीर्ष नेता, सांसद सभी लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और तस्वीर हम दिखाते हैं, बारिश हो रही है, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे हैं जो जेडीयू का मुख्यालय में बैठे हुए हैं, कर्पूरी सभागार के सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, शायद ये बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी ये है कि जेडीयू ने जो आज का जो निर्णय लिया है, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का जो फैसला किया गया है, इस फैसले के पीछे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में 18 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और नीतीश कुमार कई मौके पर कह चुके हैं कि अब वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, वो भाजपा के साथ रहेंगे। और संजय झा का जो संबंध है वो सभी पार्टियों से अच्छा है और भाजपा से भी उनके बहुत बढ़िया संबंध है। आपको याद होगा 28 जनवरी 2022 को जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया और जब वो शाम में शपथ लेने जा रहे थे मुख्यमंत्री पद की, ठीक आज से 5 महीने पहले, आपको आज 29 जून है और 28 जनवरी की बात करें, ठीक 5 महीने पहले जब नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए जा रहे थे, जब आरजेडी को बाहर कर दिया गया, कांग्रेस को बाहर कर दिया गया, तो सबसे पहले जेडीयू का कोई शीर्ष नेता अगर भाजपा मुख्यालय गया था तो वो संजय झा ही गए थे और संजय झा ने कहा था चलिए अब हम दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने यह भी संदेश दिया है कि अब वो भाजपा के साथ लंबा टिकना चाहते हैं, भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं, उनकी पार्टी भाजपा के साथ रहना चाहती है और भाजपा से संबंध मधुर बनाकर रखना चाहती है।
ये एक महत्वपूर्ण संदेश जदयू ने अपनी तरफ से दिया है। और दूसरा बड़ा जहाँ तक अपने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात की, तो चूंकि बिहार में बिहार को आर्थिक सहायता चाहिए, इस पर हालांकि केंद्र में जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने बिहार को बहुत सहायता दी है। बिहार को करोड़ों रुपये मिले हैं अब तक पिछले 10 सालों में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जदयू का ये आइडेंटिकल एक मुद्दा है, एक पहचान वाला मुद्दा है, तो जदयू की मजबूरी भी है और कि वो इस तरह के मुद्दे को उठाते रहे। ये बात अलग है कि केंद्र में उसकी सरकार है, केंद्र में वो शामिल है, इसलिए वो अपनी तरफ से मांग रख सकती है और फैसला भाजपा सरकार को, फैसला एनडीए सरकार को करना है। तो ये बात तय है कि अब ये एक तरह से पहला मैसेज कि संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। दरअसल क्या है कि नीतीश कुमार के पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, वो प्रशासनिक काम देख रहे हैं, एक भरोसेमंद चेहरे हैं बिहार की सियासत में। 2005 से लेकर 2024 जून तक अगर सबसे विश्वसनीय कोई चेहरा है तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है। और पिछले महीने जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि जदयू के पास क्रेडेंशियल, साइजेबल और पोटेंशियल वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वोट करता है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो इनसे हम बात कराएंगे, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। ये बताइए कि जो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित तौर पे युवाओं के और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने जुड़ा रहा और इनको बनाए जाने से माननीय मुख्यमंत्री जी को ही खुशी नहीं हुई है, पूरे देश में हमारा एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को खुशी हुई है। और मैं इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि अपना प्रतिभा का जो है यहाँ पर खुद जो है परिचय देंगे और इनके नेतृत्व में पूरे बिहार ही नहीं देश में हमारा राष्ट्रीय पार्टी इनके नेतृत्व में बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल प्रीतम, ये बड़ा भरोसा भी जताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि संजय झा जिस पर नीतीश कुमार ने बड़ा भरोसा जताया है, वाकई में क्या जेडू को, बिहार में जेडू को मजबूत स्थिति में ला पाएंगे, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रीतम खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो लगातार जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं जेडू की, जो क्या मजबूत स्थिति अब बन पाएगी क्योंकि संजय झा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह और इसका जो प्रस्ताव है पहले नीतीश कुमार ने ही लाया था और अब नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति जताई और उसके बाद सर्वसम्मति से यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब जेडू के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे संजय झा जो कि राज्यसभा सांसद है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया इस कार्यकारिणी की बैठक में कि अब केंद्र सरकार के समक्ष ये बड़ी मांग रखी गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जो दशकों पुराना ये मांग है अब एक बार फिर से इस मांग को बहुत ही तेजी के साथ रखी गई है। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी भी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, दो बड़े निर्णय लिए गए हैं जेडू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, पहला तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो कि कई साल पुराना है और दूसरा कि जेडू बिहार में मजबूत स्थिति में आए, शायद क्या ये बड़ी वजह रही कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए राकेश, दो बड़े निर्णय लिए गए और एक बड़ा फैसला लिया गया। पहला फैसला ये हुआ कि संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसमें पहला प्रस्ताव है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग और दूसरा प्रस्ताव है कि बिहार में जो जातीय गणना हुई है उस गणना को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। तो ये दो प्रस्ताव पारित हुए। उसके बाद हुआ कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में जदयू चुनाव लड़ेगी 2025 का चुनाव और चौथा हुआ कि झारखंड में भी जदयू अपना उम्मीदवार उतारेगी, यानी कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो इसी साल अक्टूबर महीने में होने वाले हैं उसमें अगर जदयू का तालमेल किसी दल से नहीं होता है तो जदयू स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार वहां पे खड़ा करेगी, यानी कि जदयू अब अपनी पार्टी को विस्तार देना चाहती है, बिहार के अलावे अन्य राज्यों में भी फिर चुनावी मैदान में वो कूदना चाहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि संजय झा आखिर नीतीश की पसंद क्यों है? लगातार लंबे अरसे तक संजय झा नीतीश के साथ रहे, वो उनके काफी करीबी भी हैं और विश्वसनीय भी हैं। दूसरी बात है कि मधुरभाषी होने के चलते संजय झा उनका पार्टी के सभी गुटों के साथ बेहतर संबंध है और राजनीतिक दल में एनडीए गठबंधन के सभी दलों के साथ मधुर संबंध है।
तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश के लिए ये अभी सबसे बेहतर, संजय झा के अलावे और कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, दूसरा कोई नेता नहीं था, इसलिए सबसे पहले संजय झा को बिहार मंत्रिमंडल से विदा करके राज्यसभा की सदस्यता दी गई, फिर उन्हें राज्यसभा का संसदीय दल का नेता बनाया गया और अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब लगेंगे, यानी कि किस तरह से एनडीए के गठबंधन मजबूत रहो, और जदयू ने जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों से किस तरह से निजात पाएगी, क्योंकि उस समय एनडीए के साथ रहते हुए भी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, इसलिए लोकसभा चुनाव जदयू की पहली चुनौती थी, जिस चुनौती को नीतीश कुमार ने पास कर लिया है, यानी कि जदयू में अब एनडीए में अब नीतीश की हैसियत बढ़ी है, घटी नहीं है, 12 लोकसभा सदस्य अगर बीजेपी के हैं तो 12 लोकसभा सदस्य जदयू के भी, यानी कि दोनों बराबर बराबर हैं और ड्राइविंग सीट पर नीतीश बैठे हुए हैं। इसको लेकर के भी जदयू के ये इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। पहला तो पार्टी संगठन को की जिम्मेवारी संजय झा को दी गई, दूसरा जो जदयू की लंबी मांग है उस मांग से वो पीछे हटने वाली नहीं है और विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दे, इसके लिए जदयू ने ये प्रस्ताव पारित किया है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संसदीय दल के नेता को भी ये जिम्मेवारी दी गई है कि दोनों सदन में इस मामले को उठाएं ही नहीं, केंद्र सरकार से बातचीत भी करें और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए पहल करें। दूसरी बात है कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात करके जदयू ने एक तरह से गेंद केंद्र के पाले में डाल दिया है और ये कह सकते हैं कि अब केंद्र सरकार चूंकि एनडीए गठबंधन की है इसलिए नरेंद्र मोदी को भी ये फैसला लेना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से जदयू को फायदा होगा, तो एक बात तो तय है कि ललन सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने से, नीतीश कुमार के सामने विधानसभा चुनाव होने से जदयू के पास कोई विकल्प नहीं था और खास करके मिथिलांचल इलाके से संजय झा आते हैं तो मिथिलांचल के इलाके में पिछले लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को और खास करके जदयू को काफी सफलता मिली है, एक ऊंची जाति से आने के कारण जो एनडीए का कोर वोट है उसमें मजबूती मिलेगी और जदयू ने ये संदेश देने की कोशिश की है। क्या पिछले दिनों जदयू पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार किसी सवर्ण को आगे आने देना नहीं चाहते हैं और तो इसलिए अब ऐसी परिस्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संजय झा को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। अब देखना यह है कि संजय झा आगे क्या करते हैं और नीतीश के कसौटी पर कितना खड़ा उतरते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि भले ही यह कार्यकारिणी की बैठक संक्षिप्त हो लेकिन फैसले इसमें बड़े लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।